हेलो नोट गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ रेंज सीम तो आज भाई साहब एपिसोड के अंदर में बहुत ज़्यादा मज़ेदार काम करने के, के हैं पहले मैंने काउस को मूव कराया था आज हम लोग फिक्स को मूव कराएंगे तो पिछले एपिसोड के अंदर मैंने यहाँ पे इतना बड़ा सारा और अमेजिंग सारा बना लिया था इसके मैंने लाइटें भी लगा दी थी, थी और खाने का जो था ना सामान ट्रफ्स वगैरह वो, वो भी रख दिए थे ठीक है ना तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और कूल लग रहा है अब इसके अंदर हम लोगों ने ना बस सिर्फ और सिर्फ फिक्स जो है ना उनको ही मूव कराना है ठीक है ना बाहर से ये बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर मैंने ना दो लगवा के रखे हैं एक राइट साइड को कैटर करने के लिए और एक लेफ्ट साइड को यहाँ पे अच्छा खासा खाना जो है ना ये मैंने सेंटर में भी ट्रफ्स रख दी है और राइट साइड और लेफ्ट साइड और पूरे दीवार के साथ साथ और सेंटर में मैंने खाने की जो रख हैं और पानी के ताकि ये ना आराम से खा पी सकें अब इसका ना मुझे एक चीज़ पता चली कि जब आपको ना ये ग्रीन एरिया दिखा रहा होता है इस ग्रीन एरिया के जो अंदर है ना इसकी वो रेंज है इसके अंदर अंदर जो भी ड्रफ्स होंगे उसको कवर कर लेगा अब लेफ्ट साइड से वो सेंटर तक कवर कर लेता है और राइट साइड से कवर कर लेता है तो टोटली खाने का जो काम है ना मेरा ये आराम से हो जाता है ठीक है तो मुझे ऐसे ऐसा कोई मसला नहीं है ठीक है और यहाँ पे अब मैं अपने पिग्स गिन लेता हूँ कितने पिग्स हैं मेरे पास पहले से ओ, ओ, ओ ये ही है ये तो भाई साहब हमारी गाय ने भी एक बच्चा दे दिया ये तो भाई साहब वेरी गुड सीन हो गया अब हमारे पास और जो है ना जानवर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ये बाढ़ जो रह गया ना अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्हीं जानवरों का रह गया तो पहले हमारे पास एक ही जो पिग है ना इसको मैं यहाँ से मूव कराता हूँ पास आ जाए वरना ये गाय बाहर निकल जाएगी इसको साफ़ कर दें यार एक तो कितना ज़्यादा गंद मचाते हैं लोग गायें वग़ैरह अच्छा इसको खोलते हैं और बाहर आ आजा, आजा बाहर हाँ कर दिए बंद अब यहाँ से इसको वापस पीछे ले के जाएंगे अपने इस यार ये लीड क्यों टूट गई इसको ले इसको पकड़ा आ बेटा इधर आजा शाबाश आराम आराम से पहले मैं इसको नहीं लेकर आया था क्योंकि बहुत छोटा था अभी ज़रा बड़ा हो गया यार फिर टूट गई लीड पहले मैं इसको नहीं कह रहा था क्योंकि बहुत छोटा था अभी ज़रा थोड़ा सा बड़े हो गए हुए हैं ना जितने भी बच्चे हैं ताकि ये ना आराम से ना इसके अंदर सर्वाइव कर लेंगे मैंने ऊपर ऊपर जो है ना यहाँ पर कोई छत भी नहीं डाली तो मर ही ना जाए मैंने कहा तो इसको अंदर लेके आ जाते हैं और यहाँ से बंद इसको लिश किया अनलिश किया दरवाज़ा बंद किया और मुझे सारे के सारे पिक्स जो मूव कराने हैं तो भाई साहब ये बड़ा वाला पिग जो है ना बाप पिग जो जो भी है ठीक है ना इसको मैं लेके आया हूँ और मैंने कहा इसको भी मूव करा के कर देखते हैं कि ये अंदर जा सकता है कि नहीं क्योंकि मेन बात तो भाई साहब ये है कि दरवाज़ों के अंदर इतने बड़े बड़े आ सकते हैं कि नहीं अगर इतने बड़े अंदर आ सकते हैं तो बाहर जा सकते हैं वो ओके तो ये नहीं आ सकता यानी कि ये यहीं पे रह सकता है और ये अंदर नहीं अब अंदर है तो बाहर नहीं जा सकता और बाहर है तो अंदर नहीं आ सकता इतने बड़े बड़े पिग हैं दोबादा खोल अच्छा खाने की तरफ जा रहे है दोबादा खोलेंगे तो वो सेंस कर लेते हैं इसको मार देते हैं भाई इस क्या करना है अंदर वो छोटे पिग्स जो है ना वो वारना आ जाएँ इसको हैंड पे लिया यहाँ पे गन निकाली गन को कर लेते हैं रीलोड और इस पिग को हम लोगों ने देना है मार क्योंकि इसका हमने वैसे भी पहले मारना था इसका गोश्त जो है ना ये गया वो जाके हमने बेचना है आज मैंने लाजमी गोश्त लेके जाना है जितना भी है मीट जो है पिग मीट ठीक है ना पोर्क तो ये दूसरा हमने सारे के सारे जो है ना मैंने तो वो मूव करा दिए थे आ, क्या कहते हैं हमारे छोटे पिक्स बेबी पिक्स और ये जो है ना बड़े वाले पिक्स रह गए हैं इसको भी आराम से उधर लेके आते हैं और ला के मार देते हैं ठीक है ना इसके बाद मैं इसको स्किन वगैरह करूंगा और फिर इनके जो खाना वगैरह इनको जाके बेच दूँगा बर्गर शॉप पर बेस्ट बर्गर के ऊपर तो ये गया मर और इसको भी स्किन कर लेते हैं ये अच्छा खासा गोच निकला है इसके अंदर से इसके अंदर नहीं जाएगा नहीं चलो जी गुड हो गया अच्छा खासा निकला अब मैं वहाँ से अपना ट्रक ले जाता हूँ और ट्रक के अंदर जो है ना वन बाय वन इसको मैं फ़िल करके रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जो है ना इतने ज़्यादा वो नहीं है क्या कहते हैं कूलर्स वगैरह तो ये मैं आप कुछ सामान लेकर आया था पैसे पैसे मैंने कमाए थे तो डील्स वगैरह को मार के और ये चीज़ें लकड़ियाँ वगैरह बेच के ठीक है तो मैं ये सामान समूह ले आया आज हम लोगों ने बिग्ज को भी लेकर आना है उसके अलावा इसको इनके जो मीट है उसको भी सेल करना है और कूलर्स वगैरह भी लेकर आने हैं तो सारा हमने हिसाब किताब आज लाजमी करके कर रखना है इसको ज़रा सही तरह जो है ना पहले खोल देता हूँ और कितना है हमारे पास इसके अंदर इसके अंदर पीसीस किस में आ सकते हैं इसमें आ सकते हैं इसमें आ सकते हैं हाँ एक दो तीन चार बस इतने आ सकते हैं चार हाँ इसको मैं ऊपर उठा के रख देता हूँ वापस से इनकी जगह के ऊपर और जितना भी मेरे पास अभी ये पोर्क मीट रह चुके हैं ना इसको मुझे वापस ए, इसको पहले मैं घुमा लेता हूँ ताकि आराम से मैं उतरूँ आराम से इसको मैं डाल सकूँ अभी इसको मैं ना प्लेस भी नहीं कर सकता ट्रक के अंदर तो मुझे इसको उठा के अंदर जाके रिलीज़ करना पड़ेगा ठीक है ना और ये अपनी मर्ज़ी से इधर घूमते फिरते रहेंगे ठीक है ना तो चंद पीसीज़ को मैं उठा के डाल देता हूँ उसके बाद इस तरह करके हैं ताकि फर्स्ट पर्सन के हमें ज़रा क्लियर नज़र आ जाए इस पीस को भी आकर रख दिया अब मुझे बस सारे के सारे मीट के जो पीसीज हैं ना उनको डालना है और उनको डालने के बाद हम जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं तो दैट्स द लास्ट पीस इसको किया बंद तो वो बंद कर दिया गाड़ी ट्रक में बैठे और ट्रक से बैठ के अब हम लोगों को जाना है बेस्ट बर्गर वहाँ पे जाके अपना जो गोश्त है ना उसको बेचना है ताकि हम एक अच्छी खासी अच्छा बड़ी जो है ना एम्पायर शुरू कर सकें सो लेट्स गेट गोइंग ओके गाइस फाइनली रात हो चुकी है और हम लोग बेस्ट बर्गर पर आ चुके हैं यहाँ से मुझे अब अंदर जाना है और चल चल चला जा रात खुल गया ये क्या रेट चल रहा है आजकल जो भी रेट चल रहा है जो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें बस जाके बेच देना ओके तो चौदह सौ चालीस का हमें मिल रहा है दो हमारे पास पोर्क के कूलर्स हैं जिसके हमें तीन सौ साठ तीन सौ साठ मिल रहे हैं और चौबीस हमारे पास पीसेज वैसे आ गए यानी कि एक बड़े उससे हमें बारह मीट के पीसेज़ मिलेंगे बड़े वाले सो दैट्स गुड अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है हाँ जी सारा कुछ खाली हो चुका है यहाँ से हमको अब वापस बैठ के घर जाना है पहले मुझे उधर जाऊँगा पहले मैं सोऊंगा उसके बाद दोबारा सुबह उठ के आगे जो है ना अपना जो काम है ना मिशन शुरू करेंगे ओके गाइस तो सुबह जो है ना वो हो चुकी है यहाँ से अब हमको निकलना है और जाना है क्या कहते हैं जनरल स्टोर वी आर एट द जनरल स्टोर बहुत ज़्यादा मैजिक ट्रांजेक्शन के बाद इसको ला के इसी जगह पर मैं खड़ा कर देता हूँ इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि पो जो पिग्स हैं ना पिग्स को मैंने लेकर आया हूँ इसके अंदर आराम से मैं ना पकड़ूँ और डाल दूँ पहले चार पिग डालूँगा ठीक है ना उसके बाद जितना भी मुझे एडिशनल सामान चाहिए ना वो डाल दूँगा दो मेल दो फीमेल चेकआउट थैंक यू आ जाओ जी अब हम लोगों को यहाँ से पिग्स अंदर डालने हैं ये पिग्ज रहे हमारे इनको उठाया अंदर किया इसको उठा के अंदर किया सॉरी यार तबियत ख़राब है बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी वीडियो लाजमी बनाना कंटेंट लाजमी आना चाहिए इसको भी अंदर डाला और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होते तो जा रहे हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को और ना लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है अब जहाँ पे जितना भी यह सामान है ना उसका मुझे उठा के अंदर रखना पड़ेगा ताकि ए वी तो बता देते हैं। हाँ जितना भी सामान है उसको मुझे उठा के आराम से अंदर रखना पड़ेगा इसके ऊपर रख देता हूँ ये और कूलर्स वगैरह और दूसरी चीज़ें भी मैं रख देता हूँ ताकि हमारा जो काम है ना वो आराम से हो जाए और हम और कूलर्स वगैरह जो है ना उनको बाय करके के लें और ये जो हमारे पास खाने का जो पीछे पड़ा हुआ है ना थैला बैग ऑफ वीट इसको भी लेके जाना है अभी कितने हैं हमारे पास आठ हैं ये सात करके मैं इसको चेकअप कर लेता हूँ और इसको वन बाई वन ऊपर अब मुझे अंदर प्लेस करना पड़ेगा ठीक है बंद कर दिया इसको उठा के प्लेस करना शुरू करते हैं और सारे के सारे जो है ना मुझे इसके अंदर प्लेस करने हैं अब मैं देखूंगा अगर सारे के सारे प्लेस करने के बाद भी अंदर और जगह आ गई तो वेन एंड गुड हो जाएगा क्योंकि अगर सात नैना भी हमारे पास ही है नो है तकरीबन तो, तो मैं नो पिग्स के अंदर लेके जा सकता हूँ और भाई अपने थाउज़ेंड पिग्स अंदर रखने थाउजेंडी सौ के अंदर तकरीबन करीब तो इसको जल्दी से रख लेता हूँ मैं ओके दैट वज द लॉस ऑफ द कूलर अब मुझे ये वीट का बैग यहाँ पर उठा के सेंटर में रखना है यहाँ पर तो इसको गाड़ी में बैठ गए बंद दोबारा बंद किया इधर बैठ गए अब इसको स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके हमें वापस जाना है अपने फार्म पर रेंच पर और उधर जाके इसको अनलोड करना है और फिर आगे का हिसाब किताब देखना है सो लेट्स गेट गोइंग भाई साब फुल मैं पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ आराम से इसको मैं रखूँगा दोबारा से इसको मैं सही कर लेता हूँ पहले पहले मुझे पिग्स को उतारना है उसके बाद मुझे सामान को है उन सामान को नीचे उतारना है उसके बाद देखना कि क्या हिसाब किताब जो है हमारा वो बनता है इसको भी खोल देते हैं अभी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे खोलूँगा ताकि वरना अंदर जो पिग्स है हैं हमारे पास छः हैं तकरीबन वो बाहर ना आ जाए अच्छा भाई यहाँ पे अच्छी काफ़ी जगह है यहाँ पर छः सात पिग्स बहुत छोटे छोटे से, से लगते हैं वही अंदर आए ये देखो सामने इतने छोटे छोटे से पिग्स हैं इनका भी भाई एक लेवल अच्छा इसको बंद कर दिया इसको उतारा इसको ऊपर उठा के हमने ऊपर धोनी लीड के साथ ही अंदर लेके जाना है आप पहले करीब आ जाए वरना अंदर वाला बाहर ना आ जाए आइए ये भाई सब बाहर आ रहे हैं इसको बंद कर देंगे एक और निकाल लेंगे अंदर से ए, ये वाला ये वाला ये आ जा बेटा कोई बंदे नहीं ओ भाग के किधर जा रहे हैं वापस आ हाँ आराम से ये पता नहीं भाग भाग के किधर जा रहे हैं जैसे इन्होंने भाग ही जाना है अंदर आओ आराम से खाना पीना करो मज़े करो दो तीन की ज़िंदगी है आपकी वो बाहर ना जा वापस अंदर आ हाँ दो दिन की ज़िंदगी है उसको इंजॉय कर उस एंजॉय करने के बाद मर और जाके लोगों के पेट में जा हमें पैसे कमा के दे लेवल हो जाए ना इसको इधर आ वापस आ भाई या चलो अंदर इसको रखते हैं मतलब अंदर ले कर जाते हैं रखना क्या ये तो जानवर है हिलता मिलता रहेगा रखना तुमने कूलर को है इधर आ जाओ भाई जल्दी आ वो बंद बाहर ही ना आ जाए बंद कर देते हैं इसकी सारी की सारी लाइटें जलाता हूँ मैं ताकि इसका जो सही वाला माहौल है ना वो सामने आए अब इसके अंदर लाइटों के अंदर मसला है अगर मैंने चला दी फिर मैंने गेम बंद कर दी फिर दोबारा चलाऊँगा तो लाइट ऑटोमेटिकली आट ऑफ हो जाएगी तो ये गंदा सीन है यार इसको ना ऑटोमेटिक लाइट्स ना मतलब रात के वक्त ऑन हो जाए करें या फिर अगर ऑन करके छोड़ दें तो ऑन ही रहें वो सारा ना सच्चा हिसाब किताब रह जाता होता है और ये लाइट्स लगाने के लिए भाई एक लाइट का चार मेटल लगता है और अच्छा खासा इसके अंदर मेटल लग गया था मेरा ठीक है तो यार चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दो वीडियो को ना आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है ठीक है ना इट मीनज अ लॉट ठीक है ना और आप लोगों ने बहुत अच्छी सपोर्ट देखा ही है थैंक यू वेरी मच ऐसे ही मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा और मुझे कमेंट में लाजम बताना कि मैं रेजिडेंट ईवल विलेज एट की वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ और किस गेम की जो है ना मैं लाजमी बनाऊँ ठीक है ये चेक करो लेवल चेक करो इसके अंदर यार इसका तो एक ना अलग ही लेवल है ठीक है ये पिग्स खाना खा रहे चीज़ को मैं नया लेकर आया हूँ ये पुराने वाले हैं मेरे पिग्स और जो थोड़े सारे बड़े हैं ना वो मेरे दूसरे वाले पिग्स हैं ठीक है अब मैं बाहर चलता हूँ और कूलर्स को है ना मुझे उठा के रखना है अंदर और लेट्स गेट डूइंग इट कूलर को ये यहाँ पर रख दिया ओके जी तो ये हमारे पास आखिरी रह गया इसको मैं ओहो ये खाना खा रहे हैं यानी कि एक काम हुआ है मतलब खाना खा रहे हैं चलो ये एक अच्छी बात है कि खाना ये लोग खा रहे हैं अगर ना खा रहे हैं तो और मसला हो जाता होता है ये कितना है सात है अच्छा ये कितना है सात है कोई कम हुआ है कि नहीं सात है यार थोड़ा बहुत कम करो यार वो ताकि वो अपना कोई पता तो चले गए हो रहा है कुछ हाँ ये देखो ना ये कम है ये थोड़ा बहुत कम है वेरी गुड अभी मैंने जो है ना इनका फीडर्स वगैरह को ना यानी कि जो क्रैनरी है उसको मैं फिल कर देता दे ताकि अच्छा अब इसमें हिसाब किताब है ये है कि जो कम होता है ना जीरो पे आता है सिर्फ वही ऊपर जाता है अगर मैं वैसे ऑटोमेटिक क्लिक कर दूँगा उसको फीड कर दो तो वो फ़ीड नहीं होगा हाँ ये देखो ना ये हो गया मैं फीड क्लिक करूँगा तो वो कभी भी फीड नहीं करेगा ट्रफ़्स को भरेगा लेकिन जब ट्रफ़ खुद ब खुद जीरो पे आएगी तब ये ट्रफ़ के अंदर जो है ना खाना भर देगा तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यानी कि बस इसको आके हर दो से तीन दिन बाद चेक कर लिया कि कितना हिसाब किताब है अभी तो यहाँ पर पिग्स छोटे हैं तो कम जाएगा खाना वरना जब पिग्स बड़े हो जाएंगे तो हर दिन हमें खाना जो है ना वो 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 यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है भरना पड़ेगा अभी इधर भी जाके देख चेक कर लेता हूँ के क्या हिसाब है हमारे यहाँ पे जो क्रॉथ वगैरह वो भी अच्छी खासी मोटी छोटी हो गई हुई हैं तो इनका लोगों का जो गोश्त है ना वो बेचते हैं ये जो, जो बुल्स वगैरह ना हाँ एक तो मैं बुल लेकर आ जाऊँगा ये जो वाइट वाला बुल है ना मैंने ये वाला सिंग वाला ये नहीं लूँगा मैं वैसे जो मेरे पास ये जो ब्राउन और वाइट वाले हैं ना ये मैं लेकर आऊँगा मेल फीमेल वगैरह इसका क्या हिसाब इस किताब चल रहा है दूध शूद का भी हिसाब किताब सही है भाई थर्टी फाइव लीटर्स हो गया फोर्टी टू में से तो दूध का पीछे हिसाब है दैट इज फॉर दिस वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना दिस इज जिमन भाई साइनिंग ऑफ बाय बाय हैव अ नाइस स्टे